स्कूल वर्सेस एजुकेशन, स्कूल मुकाबला है एजुकेशन, तालीम के मुकाबले में तालीमी इदारा, ठीक था। By the age of 6, every child will have completed the basic education and be ready to enter school. 6 साल के अंदर जो बेसिक एजुकेशन होता है वो हर एवरेज बच्चे को पता होता है, वो सीख चुका होता है। एवरेज बच्चे का मतलब ये है कि तकरीबन हर बच्चा, ठीक है, बेसिक एजुकेशन हासिल कर लेता है। गाली देना, कलमा पढ़ना, मस्जिद जाना, इस्लाम में ये वो है, ये है, ये चीजें करनी है या नहीं करनी, जो भी आपकी फैमिली से आपने सीखा, ठीक था। इफ द चाइल्ड हैज बीन अटेंटिव दिस प्री स्कूल इयर्स, ही और शी विल ऑलरेडी हैव मास्टर्ड मेनी स्किल्स। अगर इफ द चाइल्ड हैज बीन अटेंटिव इन दिस प्री इयर्स, प्री स्कूल इयर्स का मतलब है उस्मान, प्री का मतलब है पहले, तो स्कूल जाने से पहले जो उसके 6-7 साल गुजरे हैं, अगर वो उसमें अटेंटिव है तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है। मास्टर्ड मेनी स्किल्स का मतलब है बहुत सारे स्किल्स सीखे होते हैं। अंडा कैसे चुराना है, आई वॉज ऑल्सो एन एक थीफ, मैं चुरा रहा था अंडे। फिर किसी की जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, गाली कैसे देना है, गुस्सा कैसे दिखाना है लोगों को मैं गुस्सा हूं, बदमाशी कैसे करनी है, हाँ, अपने घर में भाई बहनों से। आई एम अ पर्सन जो प्रेजेंट में रहता है और प्रेजेंट को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है, आई एम द पर्सन। तो वो जो दूसरे होते थे ना हमारे सिबलिंग्स, वो रखते थे अंडे, हर एक का दो दो तीन तीन मुर्गियां होती थी ना बाड़ा में, तो मैं ये चीजें टेंशन क्यों पाले, बस जब भी मौका मिले अंडा उठा पका और खा। हाँ ठीक है। सो फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न्ड हाउ टू पिक अ लॉक, कमेरा फेल एलाबोरेट बिंग ऑल अप, प्रिवेंट अवेयरनेस ऑल डे लॉन्ग, गेट द लॉन्ड्री ट्वाइस इज वायर एंड केयर पीपल विद अ वेयर ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स। टेलीविजन से ये उसका नुकसान है, टेलीविजन से घर में ही बच्चा ये चीजें सीख लेता है कि हाउ टू पिक अ लॉक, ताला कैसे तोड़ना है। ऋतिक रोशन बराशी तो दुम वन ऑफ टू, ठीक है, पेन बरावा दी दीजन और बल जन और बल जन आप ताला भी मनी ताला खुला उसे मासूम को वो भी जल करना। फिर अगर वो कौन नहीं सकता तो उसके जहन में तो आइडिया है ना। हाँ जी, कमेरा फेल बैंक होल्ड अप, बैंक होल्ड अप का मतलब है जब इंग्लिश मूवीज या मिशन मूवीज देखते हैं उसमें वो बैंक करप्ट ले उठाते हैं पैसा, तो हैंड अप, हाथ उठाओ, ये नहीं करना, वो नहीं, ये सारी चीजें भी देख लेता है, वो आइडिया भी आ गया जी, और उसमें हीरो हमारे ये सारे काम कर लेता है, फिर बाद में शरीफ बन जाता है। तो वो आइडियाज तो हमें मिले ना कि तेरे नाम में सलमान खान ने इस तरह के बाल छोड़े थे और बदमाश था, तो मुझे तो सलमान खान बनना है, तो मतलब मैं इंसान नहीं जानवर बनने पर मजबूर हो गया, ठीक था जी। Have learned prevent wetness day long, और सफेदी को कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए पूरे दिन में, कैसे करना है, get the laundry twice as white, कपड़े को कैसे ज्यादा चमकाना है, एरियल और रिन, दाग तो अच्छे होते हैं, ये सारी चीजें हमने टेलीविजन से सीख ली। केयर पीपल विद सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स, लोगों को कैसे मारना है नए नए तरीकों से। अब कोई डाकू या हीरो जो फिल्म में विलन होता है वो इस तरह जाएगा रश में मर गया और फिर वो गिर जाता है, बाद में मतलब अच्छा इधर चाकू से मारा था, वो हीरो गया और फिर जब हमने बाद में देखा तो उसका डाकू का गला काटा था। अच्छा इस तरह भी होता है यार, दा कहीं संगा। बचपन में मेरे जहन में एक सवाल होता था, आप लोगों ने अजय देवगन, ऋतिक तो खैर उस लेवल का नहीं है, सलमान खान शाहरुख की आमिर की या संजय दत्त की फिल्म देखी होंगी, तो उसमें वो डाकू इस तरह करता था, वो हाथ पकड़ता था फिर मार देता। मैं सोचता था कि यार ये ऊपर मार क्या रहा है, अकड़े हो जाए। फिल्म में हर फिल्म में होता था इस तरह, आप मैं मार रहा आप इन्होंने हाथ पकड़ा तेरे नीचे तो कर्मगुजारी करेगा ना, मैं मार क्या रहा हूं, मैं क्या मार रहा हूं उस्मान, कसम खुदा की मैं बहुत ज्यादा परेशान होता था। यार बस तो फिल्मों में तो फिर गोलियां खत्म ही नहीं हो, जहांगीर खान या डाकू या बल 30 डजन यो बोले जिसम बदला की ब्याह 30 डजन बोले हो गया अब हमारा फांसी समझने लगी अतास और रसो है प्रवेश और तवाया औरब के चिमंग हो दू हल्बेल अब शांति शिसाड़े ब्याह हमारा फांसी
जो हम रसन गुरदी रसन रे रसन रे तमाशा की गोली ना हम की जत न जत भगवान ने बोली बाबा जी सर जी सर जी तमाशा बगे तू दे तो परम वर्ग आओ नो तेरे को बता जी यार अच्छा फ्रॉम वाचिंग दिस फिल्म द चाइल्ड इन मेनी केसेस विल ऑलरेडी नो हाउ टू स्मोक हाउ मच फाजू टू मिक्स विद फैक्ट्स टू बी प्रैग्मेटिक एंड शिफ्ट बचपन में अपने पेरेंट्स को देख के बच्चा ये सीखता है कि हाउ टू स्मोक मुख्तलिफ तरीके हैं या तो पंजाबियों की तरह या फिर गुरु की तरह ठीक है या फिर मॉडर्न हाँ या फिर इस तरह वो सारी चीजें हाउ टू स्मोक या हाउ मच फॉलो टू मिक्स विद फैक्ट्स टू बी प्रैग्मेटिक शूट सच के साथ कितना झूठ मिक्स करना है कि वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा रियलिस्टिक बने हमने अम्मी से सीखते हैं कोई कसम बहुदे का आपने देखा होगा कि मेरी अम्मी ने इस तरह किया है और वो झूठ बोलेगी या अपनी बड़ी बहन को या किसी और का खुद झूठ बोलते हैं ना बच्चों के सामने क्योंकि हम ही तो फरिश्ते नहीं है तो वो फिर सीख लेते हैं फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे लोग होते हैं What kind of language to use when angry? जब आप गुस्सा हो जाए तो किस तरह जुबान इस्तेमाल करनी है And how to evade the speed law without being caught? और हम अपने पेरेंट्स से ये भी सीखते हैं कि आपने स्पीड को लेवल को क्रॉस करना है और ट्रैफिक पुलिस को फिर किस तरह झूठ बोल के उसे बहलाना है पुलिस को कैसे हफ्ता देना है वसूली करनी है 500 रख दिए सेवा चेपानी बजा आपने आपने अबू को देखा क्या समोसा मिला भी नमाज़ सही था आओ बजी ता समूह खुशाल हूँ बता सो खुशाल आपने अपने अबू से ये चीजें सीखी ठीक था तो इसका मतलब ये है कि हम सब इसमें शामिल है लोगों को घटिया बेहुदा बेहया और एनिमल्स बनाने में ठीक है The state the child is ready to the second state of education which occurs in school where a variety of lessons may be learned in the first very first days. दूसरा जो session होता है वो school में जाने का होता है और उसमें पहले दिनों में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं रोना होता है घर में रोया और घर गया तो अम्मी कहेगी चले कोई बात नहीं आज मत जाए हाँ वो एक्टिंग भी करते बस दफा बीमार होने का बुखार और ये तलाक माल जब हम बीमार होते थे ना रात बहुत तकलीफ दे होती थी सुबह स्कूल के वक्त अशोक शुरू हो अच्छा द टीचर मे स्टेट द इकोनॉमिक एम्पायर्स आर बिलोंगिंग टू अ स्ट्रांग यूनियन बाय क्लोजिंग डाउन द स्कूल बिफोर द चाइल्ड अराइव्स टीचर से आप ये भी सीखते हैं अलग अलग के मैठे वाला भी दादा नेशनल पार्टी वाला इधर कॉलेज दे यूनिवर्सिटी का और स्कूल में वसंगा बंदे हमें हड़ताल करना है हमें ये करना है टीचर के खिलाफ बात करनी है प्रिंसिपल के साथ हालांकि वो टीचर आपके फायदे के लिए होता है ठीक है अब्दुल्ला लेकिन आप उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि फिजिक्स का फॉर एग्जांपल इंग्लिश का टीचर अच्छा नहीं इसको चेंज कर दे या वो जो टीचर है उसको इधर ले आए इसको उधर लेके जाए क्योंकि ये ज्यादा सख्ती करता है और वो सख्ती आपके फायदे के लिए होता है यही सख्ती होती है जब टीचर आपको कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता है जब आप मिस्त्री खाने में जाते हैं कार वॉशिंग सीखते हैं सिलाई सीखते हैं स्कूल ना पढ़ने के बाद कुछ तो करेंगे आप फिर उस्ताद आपको रोजाना गाली देंगे फिर आपको बुरा नहीं लगता मैंने अपने अबू से सीखा है घर के बाहर अगर आपका कुछ सीख रहा है कोई आपकी अम्मी को आपकी बहन को गाली दे माइंड मत करे आपको काम सीखना है मैंने सुना है ये लेकिन स्कूल में हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते ठीक है गलत है वो एक अलग टॉपिक है सीख तो रहे हैं ना तचे हरियो मिश्री सर झगड़े के होते मिश्री तो बिजे मोहम्मद तभी इज्जत पे लस्का लखे बर्दाश्त होगा क्या मिस्त्रियान ड्राइवर दखो खुले ना खलासी रोटी से ज्यादा पानी से ज्यादा तो वो आपकी मां बहन के टेक केयर करते हैं सो फादर्स एंड मदर्स मे डेमोंस्ट्रेट टू द चाइल्ड द सोशल कोहेजन देयर कैन बी बिल्ट ऑन शेयर हेट्रेड बाय डेमोंस्ट्रेटिंग देयर डिसलाइक फॉर चिल्ड्रन हुज पिगमेंटेशन डिस्प्लेसेस देम फादर्स एंड मदर्स मे डेमोंस्ट्रेट टू द चाइल्ड द सोशल कोहेजन अम्मी और अब्बू आपको ये भी बताता है कोहेजन का मतलब है यूनिटी इत्तेफाक इस चीज में इत्तेफाक करना है फिर आफ्ताब और इस चीज में
इत्तेफाक नहीं करना है। मैंने स्टार्ट में एजुकेशन में ये बात बताई कि आपकी अम्मी आपको बताती है कि आपके चचा ठीक नहीं है, या आपके चचा ठीक है ही नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स को आपको बताना चाहिए कि नहीं यार इस तरह कुछ नहीं होता, वो ज्यादा नालायक है, आप ज्यादा अलायक है, आप इस तरह है उस तरह है, आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको फिर उस तरह डील करना है। ये मेरा भाई है जी। मेरे बच्चों के साथ गलती कर रहा है, गलत एंगल, मुझे उसको उस तरह ट्रीट करना है कि मेरे बच्चे इसके मसले से इफेक्ट ना हो, उनको दूरी भी ना हो, वो चाचा है लेकिन वो एक अच्छा इंसान बने। आपको आपको पता है कि ये सब कुछ कैसे करना है। तो वो डिसलाइक्स और लाइक्स है, मेरी अम्मी को कोई चीज पसंद है तो वो अच्छी है, मेरी अब्बू को कोई चीज पसंद है तो वो अच्छी है, अगर उनको कोई बंदा पसंद नहीं है वो अच्छा ही क्यों ना हो, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो मेरे फादर को कोई मुफ्ती साहब पसंद नहीं है, हालांकि वो मुफ्ती साहब मुफ्ती भी है और अच्छी भी है। मेरे फादर मुझे क्या कहेंगे आपको पता है, अलका दूसरी नजियान सा था गुमराह कही, क्योंकि उनको नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद, ये गलती है। मुझे कोई चीज नहीं पसंद का मतलब ये नहीं है उस्मान के वो चीज गलत है, मुझे नहीं पसंद, ठीक था। ये चीजें सीखे आप अपने बच्चों के साथ, इस तरह ना करें। आपको आपको मैथ्स या फिजिक्स नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, उनको पसंद हो सकता है। मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक दफा मैसेज किया तो उन्होंने कहा सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं भी स्टडी कर रही हूँ लेकिन बहुत घटिया स्टडी है। मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा फिजिक्स। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ फिजिक्स? उन्होंने कहा कि मेरे अबू जो है वो फिजिक्स कर चुके हैं और वो मुझे जबरदस्ती भी कहता है कि आपने 3-4 घंटे ज्यादा पढ़ना है। मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, वो खुदा के बंदे हमने पढ़ा है इसलिए खूबसूरत। अब एजुकेटेड इंसान सेम हियर ब्रो, सेम हियर, लेकिन नफरत मुझे केमिस्ट्री से है, मैथ्स नफरत नहीं है। अच्छा समझ गए बात को, हाँ। और displaces them and the literary way and the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls and with an ice stick and subduing mobs and tear gas. और बाद में फिर लड़के ये सीखते हैं कि आपने बसों को कैसे पत्थर मारना है, आपने खोपड़ियां कैसे तोड़नी है, आपने जी नाइट स्टिक से, नाइट स्टिक का मतलब होता है जो पुलिस के साथ डंडे होते हैं, एंड subduing mobs, और आपने रश पे कैसे हाथापाई करनी है, उसको पानी से जलाना है, ये करना है, और या टीयर गैस कैसे उस पर ओपन करना है। ये न्यूज आप देखिए सबसे ज्यादा टीयर गैसेस ही आपको दिखाएंगे, वो आंसू जैसे आती है, आपको गैस नहीं जलाते लोगों को, आंसू गैस। फॉर्मल एजुकेशन हैज बिगन, फिर आपकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो चुकी है। ड्यूरिंग फॉर्मल एजुकेशन द चाइल्ड लर्न द लाइफ एज फॉर टेस्टिंग। फॉर्मल एजुकेशन में फिर हम ये नहीं सीखते कि इंसान कैसे बनना है और इस चीज को समझना क्यों है, बासित इस चीज को इसलिए समझना है कि आप इस दौर से गुजरे, आप अपने बच्चों के लिए ऐसा इदारा सेलेक्ट करेंगे जिसमें नॉलेज दी जा रही हो, मार्क्स के पीछे नहीं जाना। और आपके जो बातें बेसिकली आपने गलत सीखे है अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, वो आपने नहीं दोहरानी कि आपके बच्चे हमारी तरह बने। हर बच्चे को हम अपना खून बना सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन आपने गुस्से पे और इन चीजों पे काबू रखना होगा, और उनके लिए ये सब आपने जीना ही उन लोगों के लिए है। जीना सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ड्राइविंग की दिहाड़ी की और बच्चों के लिए मैं खाना लेके आया, वो सख्त काम कर सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल भी करे ना, या आसान काम भी करे, उसको अच्छे इंसान बनाए, ठीक है। तो जिंदगी टेस्ट के लिए है, ज्यादा मार्क्स अच्छा कॉलेज, ज्यादा मार्क्स अच्छी यूनिवर्सिटी, ज्यादा मार्क्स अच्छा जॉब, अच्छा जॉब ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा अच्छी लड़की। लेकिन एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन ने लिखा है, शी इज अ फीमेल राइटर, 45 साल की एज में वो मरी थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी बिचारे की। उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस का सबसे पहला जुमला है कि हर मर्द पैसे कमाने के, अच्छे फ्यूचर के, इधर उधर की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के चक्कर में है सिर्फ इसलिए कि उसको अच्छी बीवी मिले।
ठीक है, लेकिन अच्छी बीवी ये तो होता है, सच है। अच्छी बीवी मिलने के बाद अब ये हमारा सोच अलग अलग है कि उस्मान के लिए अच्छी बीवी क्या है, अब्दुल्ला के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। बेस्ट इज लास्ट 12 इयर्स, ये 12 साल तक होता है। आप सेकंड ईयर तक मास्टर मेट्रिक तक जाते हैं। आप ये सीखते हैं हमजा इसमें कि जो मैं चाहता हूं, मैं टेस्टर हूं, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं सुनना, आप वो सीखे रटा करके आ जाए, हाँ हाँ आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तरह कहना है, आप पास हो जाएंगे। तो आप लोग ये सीख लेंगे कि एग्जामिनर इस चीज से खुश होता है, वही चीजें आप सीखते हैं, हालांकि नॉलेज कुछ और होगा। ठीक था, आपका टीचर फॉर एग्जाम्पल मुसलमान है, आप क्रिश्चियन है, या आप हिंदू है, या आप जीव है, यहूदी है, और आपका इधर पाकिस्तान में कंपल्सरी है इस्लाम, इस्लामियत, तो आपने कोई बकवास करनी है इसमें, आप कर ही नहीं सकते। मैं जो सुनना चाहता हूं, मैं सुबह मजा इंग्लिश मुझसे बना है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत कहा आपने, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरी ज्यादा कमांड है, मैं आपका टीचर हूं, मतलब मैं इस सब्जेक्ट का बाप हूं। तो हम ये सीख लेते हैं कि अच्छा अच्छा बुक जाए बाढ़ में, नॉलेज जाए बाढ़ में, जो इसको सुनना है वो बताना है। पिकअप लाइंस नहीं होते लड़कियों को उठाने के लाइंस, वो सीख लेते हैं, टीचर को हम उठा लेते हैं, मार्क्स वो लगा देता है। फिर एट दिस पॉइंट एजुकेशन बिकम्स मोर सबल, इस पॉइंट में एजुकेशन ज्यादा ठीक हो जाता है, फाइन हो जाता है, या फिर डूब जाता है। द चाइल्ड टॉट बाय स्कूल दैट ही इज डम ऑब्जर्व दैट नेवर ही शी नॉर एनी ऑफ मेनी चिल्ड्रन हु आर इवन डम्बर एवर फेल्ड टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। बच्चा ये भी सीखता है कि जनाब ही इज डम ऑब्जर्व दैट नीदर ही शी और एनी ऑफ नेवर डम्बर एवर फेल्ड टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। कोई भी इतना नालायक नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ये है, आप वो है, आप मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ये वो है, लेकिन वो पहले आप में अपने आप में पेट्रोल डालना होता है, फिर आप स्टार्ट होंगे तो सफर करेंगे ना, जाएंगे आगे, आप में पेट्रोल है ही नहीं। आप मोटिवेशनल एक स्पीच सुन लेते हैं 10-15 मिनट की, तो आप ऐसा समझने लगते हैं कि मैं रोनी कुल मैन हूं, मैं अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हूं, बॉडी बिल्डर हूं, जमाना जो शेरे जमाना है ब्रूसली खुजमाल मसीन ने कुछ यो मंडे कर बंद हुआ ही सोक ये और जिम तेरे बूझ ही सोक मुझे डंबल में शुचा तोले हाँ 5 किलो वाला दा होला। From this, the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. और इसी से the child learns, बच्चा ये सीख लेता है that while everybody talks a lot about the virtue, हर कोई अच्छाई के बारे में बात करता है, of being smart, अच्छा होने का, स्मार्ट होने का, there is little incentive, इसमें बहुत कम मोटिवेशन है to stop being dumb. अगर आपने स्मार्ट बनना है ना, तो क्या करना है, बेवकूफ नहीं बनना, बेवकूफी को हटाना है, स्मार्ट बने योर एवरीथिंग। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, जिनके वगैरह जिनके बजाते और सराई 15-20 गर्लफ्रेंड भी जरूर बैठो नजियात देरवाई हर चीज बांधे पर पोएगी और तलाकी, उसको हम स्मार्ट। और हर इंसान को बनना है, ठीक कह रहा हूं, नहीं आप लोगों में स्मार्ट बहुत कम है, आप लोगों को लगता होगा कि हम है, ना 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 इस तरह कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्कूल बिसाइड्स अटेंडेंस, स्कूल का मतलब क्या है हाजिरी लेने और ना लेने के अलावा, ठीक है। द चाइल्ड वंडर्स, बच्चा हैरान होता है कि यार बस राशा और लाडशा, राशा और लाडशा, तासो कसम के तासो स्कूल की सीढ़ी तुरस ना खड़े रे या का या दक पाकिस्तान या सिंगल लेन बच्चा, तासो कसम हो गई जो दा खबर तासो तमख की चाकड़ी दी दस जाऊं ये मिस्टर दा मैडम ने सबक बोले सजी ने ले लो बातें बातों की बात मैं नहीं कर रहा, ये जो बातें मैंने की ये काम होने चाहिए आपके फैमिली में, टीचर्स में, बड़ों में, तब ही आप उसे सीखते हैं।
वो आप में आ जाते हैं, बोलने से ये चीजें नहीं आती। ठीक है, अगर मैं आपको मोटिवेशन देता रहूं कि टॉप कैसे करना है, ये करना है, दुनिया को हिलाना है, और मैं खुद उस फील्ड में समझता ही नहीं, उसको मैं उसमें जीरो हूं, तो आप लोग कैसे मोटिवेटेड होंगे? बस तो ऐसे लड़के होते हैं ना हमारी तरह, क्लास के बाद दस दिन आड़ा वाले चले जाए, वो तो 15-20 मिनट बाद उसकी मोटिवेशन आपकी बीजेपी में कन्वर्ट। द चाइल्ड वंडर्स इज द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट स्कूल आंसर दिस क्वेश्चन। जब फॉर्मल स्टेज आपका इन हो जाता है तो स्कूल इस सवाल का जवाब देता है, दिस पॉइंट हैज टू इक्विप द चाइल्ड टू एंटर कॉलेज। इसका जवाब यह है कि आपने कॉलेज में जाना है, यह है फॉर्मल एजुकेशन, यह है इंसानियत। आप इतना पढ़ चुके हैं माशाल्लाह कि आप कॉलेज में गए, कितनी बड़ी बात है ये। चिल्ड्रन हु हैव बीन टॉट दे आर स्मार्ट हैव नो डिफिकल्टी। जिस बच्चों को ये बताया गया है ना कि आप बहुत चालाक हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो चीजें मुझ में है, ये गुण, ये सारे लाए जिंदगी को पसंद है, लोगों को पसंद है। ठीक है, उन चीजों का आजकल ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड बन रहे हैं। दे हैव बीन हैपीली टेलिंग टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हैव फॉर 12 इयर्स। 12 सालों तक वो फिर अपने टीचर्स को, टेस्टर्स को ये बताते हैं, जो उन लोगों को सुनना होता है वो खुश होते हैं, फिर वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। बींग आर इज अ टेलिंग टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हैव, दे आर एडमिटेड टू कॉलेज जॉयसली where they promptly learn that they are the hope of America. ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। फिर खुश होके वो खुशी खुशी से कॉलेज में दाखिला लेते हैं, और वो सारे जहन उनको हम फिर ये कहते हैं, आप लोग ये रोजाना ये बात सुनते हैं कि आप पाकिस्तान के फ्यूचर है, तो वो बच्चा फिर ये भी हाँ पाकिस्तान हो चवलाड़ के जमा हो चवलाड़ के, लेकिन ये ठीक भी है, वहीं पर आगे जाके कुछ बन जाता है। तो फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स है, इन्हीं लोगों से बने हैं। यस सर, तो जो कमियां मैंने बताई वो सब इन लोगों ने फेस किए हैं, अब वो हमारे ऑफिसर्स है, वो मुल्क को चला रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का बना है कचरे का ढेर। आऊंगा पाकिस्तान से कहो सर जी, खुदा सोच को पाकिस्तान मिसिंग सर क्यों। असल में ये हम करते हैं, ये बताते नहीं है। हाँ अच्छा, आगे देखिए जी। चिल्ड्रन हुज एजुकेशन हैज बीन लिमिटेड टू जस्टिंग देमसेल्व्स टू देयर स्कूल्स लॉ एस्टिमेट्स ऑफ देम आर बिलीव टू लेस जॉयस कॉलेजेस व्हिच इन सम केसेस माई मे टीच देम टू रीड। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये पता नहीं होता कि आप स्मार्ट है, वो कमजोर, और फिर कमजोर कॉलेज में चले जाते हैं, वो फिर कॉलेज वाले उसे बताते हैं कि रीडिंग तो सीखो यार। कल रात को मैं पेपर चेक कर रहा था, एक ने उर्दू की साइड से पूरी इंग्लिश की पेपर की थी, तो इनको हम क्या समझाएंगे? इनको मैं फलसफा समझाऊं कि इकबाल साहब की खुदी का फलसफा क्या है, शेक्सपियर क्या फरमाते हैं। इफ दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फॉर एवरीवन, एक नया सवाल उठता है फिर कॉलेज में। इफ द पॉइंट ऑफ लोअर एजुकेशन वाज टू गेट इनटू कॉलेज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉलेज? सवाल ये उठता है कि स्कूल हम इसलिए जा रहे थे कि कॉलेज में आना है, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, तो फिर कॉलेज क्यों जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब होगी। यस सर, जॉब के बाद मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं। जॉब के बाद द आंसर इज सून लर्न, फिर जवाब हमें जल्दी मिल जाता है। द पॉइंट ऑफ द कॉलेज इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ टू गेट इन टू ग्रेजुएट स्कूल। आप कॉलेज में हमसे यह बताते हैं कि आप बच्चे नहीं है, आप हीरो है, आप ये करे आप वो करे, यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, ग्रेजुएट स्कूल, ये है कॉलेज का मतलब। एंड कॉलेज स्टूडेंट लर्न्स दैट देयर इज नो लॉन्गर एनफ सिंपली टू टेल द टेस्टर्स व्हाट दे वांट टू हैव, मेनी आर टेस्टेड फॉर ग्रेजुएट स्कूल, फ्यू आर एडमिटेड। फिर हमें ये पता नहीं होता कि कॉलेज में हमें क्या कहना है टीचर्स को कि वो हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना किसी को खुश करना नहीं होता, बस अगर आपके मार्क्स अच्छे है, आप उन्हें पसंद आया ठीक है, वरना तो जाए बाढ़ में। Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporate boardroom, और फिर बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते। एक्सक्लूडेड का मतलब है उसे दूर रखना, प्रॉस्पर का मतलब है अच्छा करना इन मेडिसन, अगर उन्होंने दवाई में अच्छा किया, एट द बार इन द कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, तो वो फिर कंपनी वगैरह चलाएंगे, ग्रुप में काम करेंगे, ये करेंगे,
आप लोगों ने थ्री इडियट फिल्म देखी है, उसमें आमिर खान उस करीना से पूछता है कि अगर इनको बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियर काय के लिए किया, याद है? वो गधा जो होता है, हाँ गधे, याद होगा आप लोगों को। इंजीनियरिंग आपने की तो बैंक में नौकरी क्यों? क्योंकि जॉब अच्छा है, तो इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा? कुछ और पढ़ते? आप किस चीज में ग्रेजुएशन कर चुके हैं? जी मैं इंग्लिश में कर चुका हूं, कर क्या रहे? मैं जी मैं पढ़ा सकता हूं, क्या पढ़ा सकते हैं? केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं स्कूल में। इन लोगों ने लिया क्यों आपको? टीचर नहीं था? नहीं जी, बस इन लोगों में पसंद आया। आप क्यों पढ़ा रहे हैं? उन लोगों को आप पसंद आए, कम पैसे में आप उसे मिले। आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे आती है केमिस्ट्री, अंग्रेजी क्यों पढ़ी थी? फिर सोचने की बात है ना, बेहतर तब हो सकेगा ना। अच्छा, द स्टूडेंट अनलर्न्स द रेसेस टू द कनिंग एंड ऑफन अलास टू द अनप्रिंसिपल्ड। स्टूडेंट फिर ये भूल जाता है, ये सीखता है, लर्न्स द रेसेस टू द कनिंग एंड ऑफन अलास टू द अनप्रिंसिपल्ड। मुझे जनाब अनप्रिंसिपल्ड होना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, फिर मैं ये सीख लेता हूं। पहले तो हम स्कूल में रूल्स रेगुलेशन होते थे ना, कॉलेज में जाना है इसलिए ये सब कुछ करना है, टीचर से डरना है, ये करना है, वो करना है, होमवर्क करना है। कॉलेज में ये नहीं होता, यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल करना ही नहीं है। जितने ज्यादा बदमाश होंगे उतने ज्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे, उतने ज्यादा आपकी लड़कियां फ्रेंड्स होगी, और यही तो चाहिए जिंदगी में, और चाहिए क्या? अच्छा, does the student learns the importance of destroying competitors and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. Simmering का मतलब है होड़ के दल, boiling, उबलना। The student फिर ये सीखता है the importance of destroying competitors, जो मेरा मुकाबले में इंसान है उसको तबाह करना है। तो competitors को अगर आपने मुकाबला जीतना है तो सामने वाले को गिराओ, उसको मारो, आप मुकाबला जीत चुके हैं। और मेलो ड्रामा फिर शुरू हो जाता है। पाकिस्तान, ये अमेरिका की बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान तो उससे बड़ा ड्रामा है। आफ्टर वर्ड्स द फॉर्मर स्टूडेंट्स डेस्टिनी फुलफिल्ड। फिर एक स्टूडेंट की किस्मत जो है वो खत्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। मैं ग्रेजुएट हो चुका अशफाक असम में पास को, थैंक गॉड। अलग अशफाक असम में पास को यार, बस मुबारक शाह, बस दुनिया वाला वाला खुश, दुनिया वाला वाला कैसे नशे आवरे। His life rich with oriental carpets where porcelain and full bank accounts, he may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. फिर वो पैसे कमाने लग जाता है, फिर ये करना है, बैंक अकाउंट्स बनाने हैं। बर्तन मुझे इटली के पसंद है, ये जो आजकल के जेकेट्स आए हैं इटालियन। शूज मुझे यार सर्वेस और बाटा और ये सेज और ये ब्रांड, आई यूज ब्रांड्स। ओह यस, कितने का लिया है? लिया होगा ठीक है 3-4 हजार का, 8 हजार का। आजकल किसी को पता? यार महंगाई का दौर नहीं, महंगाई का दौर अपनी जगह, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, आई यूज ब्रांड्स। अब जंजालपुरा से या किसी और लोकल शॉप से मैं चीजें क्यों खरीदूं? फिर 50 के हम हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, फिर ये कह रहा है कि शायद ये इंसान किताब खोले इसलिए ताकि मैं कुछ सीखूं उससे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना और फिर हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम वो फिर सोच समझ से पढ़ते हैं कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, ये फलसफा है, ये इस्लाम है। मस्जिद में जाए यार, दुनिया में कुछ नहीं रखा, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये लड़की वड़की में कुछ नहीं होता। समझ गए? तो फिर हम जब बूढ़े हो जाते हैं फिर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, और ये सारी जिंदगी हमने फजूल गुजारी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तबलीग में इधर उधर ठीक हो जाते हैं और बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं जवानी में, लेकिन जवानी में हमारी सॉफ्टवेयर ऐसे है कि हमने जो गलत होता है वही करना होता है, बदमाशी करना, गन्स वगैरह इसको शो ऑफ करना, गाड़ियों को तेज भगाना, पैसे के पीछे भागना। जो लोग पैसे ज्यादा कमाते हैं वो हमारे हीरोज है आजकल,
और फिर जब हम 50-60 क्रॉस कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि ना पैसा इज नॉट एवरीथिंग, सेहत जरूरी है, फैमिली जरूरी है, क्योंकि लॉयल चीजें तो फैमिली है ना। yes. आपके दोस्त भी आजकल आपके दोस्त सिर्फ इसलिए है कि ताल्लुक, आजकल दोस्तियां नहीं होती, ताल्लुक yes, और ताल्लुक की कोई रीजन होती है। ठीक था? Yes, sir. Anything else? Any question? कुछ है तो पूछे। समझ गए जी, छुट्टियां निकल जी, अल्लाह हाफिज़।